इधर मिले जाऊंगा मैं, जो मोहित पापा का नाम क्या है नहीं पता भाई। हेलो गाइस, एक और न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैंने 12 बजे से 3 बजे तक का गिग बुक करा है। 11 बजे अलग महिला ने गिग, लाइट नहीं थी घर में इसलिए बुक नहीं कर पाया। अब रेडी हो गया हूँ, अब चलते हैं रेस्टोरेंट पे। बाइक और बैग रेडी है, चलिए चलते हैं। गाइस, मैं रेस्टोरेंट पे आके खड़ा था, खड़े खड़े 20 मिनट के बाद ऑर्डर बजा। अब ऑर्डर लेके चल रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर बजा। कस्टमर भी ने भी कॉल करा था कि ऑर्डर लेट हो गया, क्यों नहीं ऑर्डर लेके आया, तो मैं बोला कि अभी रेडी नहीं हुआ ये ऑर्डर, चलते हैं बैग में लेके डालते हैं। ऑर्डर डाल लिया बैग में, बैठ जाए जाए चलते हैं डिलीवर। गाइस, अब आ चुके हैं, ऑर्डर डिलीवर कर दिया। अब मैं चौधरी पे ऑर्डर डिलीवर करके अब इंतजार कर रहा हूँ, कब ऑर्डर मिलेगा। गाइस, ये ऑर्डर ले लिया है, अब इसको बैग में डालते हैं। चलते हैं अब डिलीवर कर। गाइस, मैंने ये भी ऑर्डर ले लिया, मिनी पाया हाँ, अब लेके चलते हैं। इसको 1 किलोमीटर पे ही देना है। दूसरा ऑर्डर भी दे दिया, डिलीवर कर दिया। अब गैस का ऑर्डर था, अब आके देखे मिनी पे जैसे ही बैठा वैसे ही चौथा ऑर्डर बच चुका है। चलिए उसको लेते हैं और डिलीवर करते हैं। चौथा ऑर्डर ले लिया है, चौथा ऑर्डर लेके बैग में डाला, अब चलते हैं डिलीवर करने, देखते हैं। गाइस, मैंने चौथा ऑर्डर कंप्लीट कर दिया था, दे दिया था, उसके बाद वैसे ही 5 ऑर्डर बजा ये देने जा रहा हूँ बल्लभगढ़। चलिए दे के फिर मिलता हूँ। गाइस, 5 ऑर्डर दे दिया, अब चलते हैं। गाइस, अब 5वां ऑर्डर डिलीवर करके घर पे आ गया हूँ। चौथा ऑर्डर जैसे डिलीवर करा वैसे ही 5वां बज गया, फिर 5वां दे दिया। अब आ गया हूँ घर पे, मेरा 12 से 3 ऑफ हो गया, देखते हैं शाम को करता हूँ, फिर शाम को मिलते हैं। गाइस, अब रेडी हो चुका हूँ, शाम के 6:57 हो चुके हैं, अब चलते हैं रेस्टोरेंट पे बैठते हैं और देखते हैं ऑर्डर आता है कि नहीं आता है। टोपी भी पहन लिया क्योंकि ठंड लग रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड है, स्वेटर भी अंदर पहना है। चलते हैं रेस्टोरेंट पे इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कितनी देर में ऑर्डर आता है, फर्स्ट ऑर्डर शाम का। गाइस, जैसे ही मिनी पे पहुंचा, यहाँ पे ये बच्चा मिला, सुनिए पूरा बात पहले, कितना दुखद है। बच्चे ऐसा बार बार जाते हैं रेस्टोरेंट के पास, पूरा बात सुनिए अच्छे से। कहाँ पे रहते हो? ये बच्चा यहाँ पे, कितने सारे बच्चे भाई मांगते रहते हैं, गलत बात है। पेरेंट्स इनके क्या कहते हैं, देखो पढ़ाते रहते हैं। मम्मी का नाम क्या है? मम्मी का क्या नाम है? मम्मी का नाम क्या आपके? कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? बोलो पापा का नाम क्या है? बोल रहा है, नाम बताओ। 12 की लॉगिन क्यों नहीं दे रहे? इसके जैसे बच्चे और भी बहुत सारे बच्चे हैं, यहाँ पे घूमते रहते हैं और दूसरों से मांगते रहते हैं पैसे। अभी चालू कर, इनकी उम्र कितनी है? पढ़ने की उम्र है। देखो एक बार वो बना गया जो 400 है, क्या है क्या नहीं। अब बच्चे यहाँ पे मिनी पे बैठ जाता है, पैसे मांगते चाहे खाने के लिए, ये गलत बात है। इधर मिले जाऊंगा मैं, तो मोहित पापा का नाम क्या है नहीं पता। गाइस, जैसा कि आपने पूरा बात सुना, हमने उस बच्चे को रोकने की भी कोशिश की, पूछने की भी कोशिश की कि मम्मी पापा का नाम बताए अपना, कहाँ रहता है, लेकिन उन्होंने नहीं बताया, चला गया बच्चा। हाँ,
हमने बोला कि चीज़ के बहाने भी पूछा कि बता सके, लेकिन बताया नहीं, चला गया। तो ऐसा करके आप भी बच्चों को पूछिए, जिससे कि ये नहीं कि आप चीज़ दे के उसको उसको मन को बढ़ावा दीजिए, उसको पूछिए, क्योंकि उसकी उम्र है पढ़ने की, पढ़ाई लिखाई करने की। ये बहुत गलत बात है गाइस। तो आगे चलिए, अब चलते हैं ऑर्डर पिक करने। इस शाम को अभी रेस्टोरेंट पे आ गया था, जैसे ही 5 मिनट बैठा वैसे ही ऑर्डर लग गया। ये दोनों बैग में डालते हैं और चलते हैं। ऑर्डर शाम का ऑर्डर मैंने कंप्लीट कर दिया, जैसे ही फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट करा शाम का, जैसे ही देखी आया था तो मैंने का ऑर्डर भेज दिया दूसरा ऑर्डर, उसको लेते हैं फिर चलते हैं डिलीवर करने के लिए। शाम को ये दूसरा ऑर्डर है, मैंने दे दिया, चलते हैं गाइस। जैसे दूसरा ऑर्डर डिलीवर करा व्हर्लपूल जॉब में कंपनी में, उसी ही तीसरा ऑर्डर लग गया, उस ऑर्डर को लेते हैं और चलते हैं। आइटम ले लिया ऑर्डर तीसरा डिलीवर, इसको बैग में रखते हैं चलते हैं डिलीवर करते हैं। ऑर्डर भी डिलीवर कर दिया, बट बहुत परेशानी हुई, 2 किलोमीटर घूमना पड़ा कस्टमर के एड्रेस रॉन्ग होने की वजह से। जैसे ही डिलीवर करा वैसे ही एक ऑर्डर बच गया, अब वो लेने के लिए आ रहा हूँ चौथा ऑर्डर। उसके बाद वैसे ही एक और ऑर्डर बच गया, पहले ये चौथा ऑर्डर लेते हैं फिर पहुँचा देखते हैं। गाइस हमने अंबिका रेस्टोरेंट से जो उठाया था ऑर्डर वो हमने डिलीवर कर दिया, और पंजाबी रेस्टोरेंट से जो ऑर्डर उठाया था फोर्थ ऑर्डर डिलीवर कर दिया, फिफ्थ ऑर्डर भी अब डिलीवर करने आए हैं, डिलीवर करते हैं फिर बात करते हैं, उसके बाद घर चलते हैं सीधे। गाइस मैंने सारे ऑर्डर डिलीवर कर दिए, पांचों के पांचों। ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, हाथ पूरे सुन हो गए थे, पैर इतना सबसे ज़्यादा बहुत गुरुग्राम रोड पर इतना ठंड लग रहा था, दिख भी नहीं रहा था बाइक पे, इतना सीच भी गिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो कपड़े उपड़े पहन के बाहर निकलो गाइस, तबीयत वबीयत ख़राब हो सकती है। और मेरा ब्लॉग कैसा लगा लाइक शेयर एंड कमेंट करना गाइस, सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि मैं और वीडियो लाते रहूं। ठीक है गाइस, अगले वीडियो में मिलेंगे ब्लॉग में, बाय।